नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्यार आज के समय में अपने अंदर कई मायनों को संजोए बैठे हैं, लेकिन इन मायनों की धरोहर आज के युवा पीढ़ी ने कुछ और ही बना लिया है। आजकल किसी से भी दो चार बातें करने या फिर उनसे मुलाकात करने को आज का युवा प्यार मान बैठा है, और फिर इस प्यार शब्द को अंजाम देने के लिए वो बड़े से बड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटता। इसका ताजा उदाहरण चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा रही 21 साल की युवती को रोक दिया गया। हालांकि उसके पास पाकिस्तान जाने का वीजा था, लेकिन उसके नाम से लुक आउट सर्कुलर पहले ही जारी हो चुका था, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर कस्टम विभाग के अधिकारियों और BSF अधिकारियों ने युवती को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अब उसके शहर मध्य प्रदेश के रीवा से पुलिस उसे लेने के लिए अमृतसर पहुंच चुकी है। रीवा की रहने वाली इस युवती की कहानी 14 जून से शुरू हुई। रीवा के थाना कोतवाली में 21 साल की युवती अचानक घर से अपने डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट लेकर भाग गई। युवती जब नहीं मिली तो परिवार ने रीवा के थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवा दी। घर से युवती का पासपोर्ट भी गायब था। ये देखकर परिवार ने तुरंत पुलिस के जरिए युवती का LOC भी जारी करवा दिया, ताकि वो विदेश न भाग सके। परिवार की तरफ से पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार मामला प्यार से जुड़ा पाया गया। सोशल मीडिया पर रीवा की युवती को पाकिस्तानी युवक से प्यार हो गया था। दोनों के बीच बातें होने लगी। युवती ने पाकिस्तानी युवक के कहने पर पासपोर्ट भी बनवा लिया। कई बार वो पाकिस्तान जाने की बात अपने परिवार से भी कह चुकी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी युवक के साथ मिलकर युवती ने पाकिस्तान का वीजा भी जारी करवा लिया। लेकिन जब वो घर से भाग गई तो मामला परिवार की समझ में आ गया। घर से पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट और कैश लेकर भागी युवती की शिकायत परिवार ने 14 जून को रीवा के कोतवाली थाने में जमा करवा दी। परिवार को उसके विदेश जाने पर शक था तो पुलिस को कहकर LOC भी जारी करवा दिया गया। इसी दौरान जब युवती पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पर पहुंची तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। रीवा की पुलिस अमृतसर रूरल पुलिस के अंतर्गत आने वाले घरिंडा थाने में पहुंच गई थी, जहां युवती को रीवा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। SHO घरिंडा कंवरपाल सिंह ने बताया कि युवती की रीवा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब वे उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए SDM 2 के पास जाएंगे, जहां से उसे रीवा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी कहानी को देख करके आपको क्या लगता है, क्या किसी से दो चार बातें करना या फिर उससे मिलने की इच्छा के लिए बॉर्डर क्रॉस करना कितना सही है? क्या ये आज के युवा की मानसिकता को दर्शाता है? क्या आज की युवा जो है वो इस तरीके से प्रेम जाल में फंस करके कई भी बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं? इन सभी चीजों को लेकर के आप लोग की क्या तर्क है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।